यस गाइस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी लोग? वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। यस गाइस, कम ऑन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, चलिए। सो दोस्तों, हम जो है इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 अभी पढ़ रहे थे हमारे सीए फाउंडेशन में 2022 एग्जाम्स के लिए। जो लोग मुझे नहीं जानते उन सबको बता दूं कि आई एम मोनीश वोरा, आई एम ए चार्ट अकाउंटेंट एंड मैं आप सबको दोस्तों पढ़ाता हूँ सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स एंड बीसी के। ये दोस्तों हमारी बाहुबली टीम जो आपको अनअकैडमी में सीए फाउंडेशन लेवल पे बेटा आप सबको पढ़ाते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रही है, यही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके साथ शेयर कर दी गई है। बेटा याद रखेंगे कि मैं जो हूँ आपको 1 PM टू 2 PM मैं आता हूँ आपको पढ़ाने बेटा यूट्यूब पे, है ना। तो अभी हम 1 PM टू 2 PM पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, राइट। देन 7 PM टू 8 PM जो है मैं आपको पढ़ाने आता हूँ बेटा BCA पढ़ाने आता हूँ। अभी आज और कल हमारे क्लासेस नहीं थे BCA के, आज भी नहीं होगा, शाम के क्लास मंडे से कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये हमारे यूट्यूब एंड स्पेशल क्लासेस वाले बच्चों के लिए है जो फ्री प्लेटफॉर्म पढ़ते हैं हमसे, एंड जो भी हमारे प्लस के बच्चे हैं उन लोगों के लिए बेटा मैं 3 PM टू 5 PM उनको पढ़ाने आता हूँ मैं प्लस पे। लक्ष्य 2.0 बैच में आता हूँ बेटा पढ़ाने, यहाँ पे मैं थर्सडेज फ्राइडेज एंड सैटरडेज आपको पढ़ाने आता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा शेड्यूल है। आप मेरी सारी फ्री क्लासेस इस livedaily.me/CA livedaily इस लिंक पे जाके आप मेरी सारी फ्री क्लासेस देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे हमारे सेशंस अपडेट कर दिया, आपको MV सर वाले टैब पे जाना है जहाँ पे आपको मेरे सारे सेशन लिंक्स मिल जाएगी, राइट। सो अभी हमारा अनअकैडमी का, अगर आप हमसे फुल को स्ट्रक्चर वे में पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दोनों में सेम क्लासेस होती है, बस प्लस में आपको PDF नोट्स मिलते हैं, आइकॉनिक में आपको PDF नोट्स के साथ साथ लाइव क्लासेस के साथ साथ पर्सनल कोच, प्रिंटेड नोट्स, प्रोग्रेस ट्रैकर, डिस्कस चैनल एंड सेशंस विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के एडिशनल फीचर्स आइकॉनिक में मिलते हैं। तो आप लक्ष्य 2.0 बैच को ज्वाइन करो, अभी भी समय है, हमारे नोट्स सबके मिल जाएंगे। MB सर कोड यूज करके अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको एडिशनल 10% का ऑफ मिल जाता है। कम ऑन गाइस, तो अब जो है हमें अब जो है हमें क्या करना है बताइए, हमें जो है अब पढ़ना है क्या बताइए, प्रोडक्शन फंक्शन का टॉपिक। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया मैं आपको बताता हूं। हमने आपको अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया है वो मैं आपको बताता हूं, राइट। तो हमने जो है बेटा अभी तक सबसे पहले हमने बेसिक्स ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़ा था कि प्रोडक्शन होता क्या है ना, इसके डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम क्या कर सकते हैं प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन ऑल्सो मीन्स क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी, हमने ये देखा था। और हमने आपको बोला था क्या बताइए, और हमने बोला था कि हम चार तरीके से यूटिलिटी ऐड कर सकते हैं, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, पर्सनल यूटिलिटी, राइट। देन हमने आपको बताया था क्या बताइए, हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बातें की आपके साथ। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब हमारे इनपुट्स होते हैं जो होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो हमने लैंड का मतलब देखा, उसके फीचर्स देखे, देन हमने लेबर का मतलब देखा, उसके फीचर्स देखे, लेबर का सप्लाई कर्व का हमने ये शेप देखा था। याद रखना पड़ेगा, इस पे MCQ आता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, तो बोलेंगे बैकवर्ड बेंडिंग होता है, ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। देन कैपिटल के बारे में हमने आपको पढ़ाया, पूरा इसका चार्ट बनाया था हमने क्लासेस में, टाइप्स ऑफ कैपिटल हमने देखा। देन हमने देखा कैपिटल फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि CA इंटर में भी ये कॉन्सेप्ट आगे यूज होंगे, इसीलिए तो कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है इस कैपिटल फॉर्मेशन का। देन हमने बेटा क्या देखा, स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन में देखा। उसके बाद हमने देन बेटा एंटरप्रेन्योर देखा, एंटरप्रेन्योर के सारे फीचर्स, उसके फंक्शंस देखे हमने। देन हमने टॉपिक कवर किया था पिछले दो सेशंस में, पहले सेशन में क्या एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स एंड देन हमने क्या एंटरप्राइज प्रॉब्लम्स, मतलब यहाँ पे हमारे आई गेस 7 to 8 सेशंस हमारे यहाँ पे हुए हैं। और इन 7 to 8 सेशंस में, इन 7 to 8 सेशंस में हमने जो है प्रोडक्शन के पूरे बेसिक्स कवर कर लिए हैं। तो मैं इसको बेसिक्स ऑफ प्रोडक्शन की प्लेलिस्ट बोलता हूँ या टॉपिक बोलता हूँ, बेसिक्स ऑफ प्रोडक्शन, जो यहाँ तक आते हैं इस एंटरप्राइज प्रॉब्लम्स तक ये टॉपिक होते हैं। अब जो टॉपिक हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं इसको मैं नाम देता हूं बेटा लॉज ऑफ प्रोडक्शन। क्या नाम है बताइए, लॉज ऑफ प्रोडक्शन।
जो आज से स्टार्ट होगा। मतलब अगर मैं आपको एक इसका चार्ट बना के दूं कि हम ये जो हमारा जो टॉपिक हो कैसे बढ़ेंगे, तो देखो बेटा मैं आपको बताता हूं जल्दी से। तो हमारा ये जो बेटा टॉपिक है थियोरी ऑफ प्रोडक्शन, देखो इसको तीन हिस्सों में हमने बांटा हुआ है, थियोरी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, ये चैप्टर थ्री है। चैप्टर थ्री के अंदर दो यूनिट है, तो हम फिलहाल अभी क्या कर रहे हैं, फिलहाल हम यूनिट वन पढ़ रहे हैं। और यूनिट वन क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन ही हमारे यूनिट वन है ना, हमारे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन ही नाम क्या है, हमारे यूनिट वन का नाम है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में फिर क्या आता है, तो मैंने बोला थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को हमने तीन हिस्सों में बांटा हुआ है, इसको समझाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए हम तीन हिस्सों में इसे बांटते हैं। हम बोलेंगे पहला हिस्सा है इसका बेसिक्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना, पहला हिस्सा है इसका क्या बताइए, बेसिक्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम आज से बेटा स्टार्ट करेंगे, क्या बताइए, हम आज से स्टार्ट करेंगे बेटा लॉज ऑफ प्रोडक्शन, आज से स्टार्ट करेंगे बेटा लॉज ऑफ प्रोडक्शन। देन उसके बाद हम तीसरा पार्ट इसका होता है बेटा प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, तीसरा पार्ट होता है इसका प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। तो ऐसे इसके टोटल तीन पार्ट्स हैं, टोटल तीन पार्ट्स इस चैप्टर के, समझ में, इस यूनिट के। बेसिक्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमने क्या देखा, इसकी डेफिनेशन देखा हमने प्रोडक्शन की, देन हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं ये हमने देखा, और क्या देखा हमने बेटा बताओ, एंटरप्राइज, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रॉब्लम्स, ये हो गया बेसिक्स ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट। ठीक है, ये कहाँ पे आ गया, ये इधर आ गया बेसिक्स ऑफ प्रोडक्शन में। अब हम आज से क्या करेंगे, लॉस प्रोडक्शन, इसमें क्या आता है, इसमें आता है बेटा आपका प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका लॉन्ग रन, या पहले लेते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और दूसरा होता है बेटा आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। एंड आपके जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये सब आपको पढ़ाऊंगा मैं, क्या है ये चीजें, ठीक है, घबराना नहीं है, बता रहा हूं आपको मैं। और हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर पढ़ने वाले बेटा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, समझा, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अब प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बेटा हम पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, यस, इसके अंदर हम पढ़ेंगे आईएसओ कॉस्ट एंड आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ऐसे तीन हिस्सों में ये हमारे पूरा चैप्टर बटा हुआ है, तो पहला हिस्सा हो गया है, आज हम इसका दूसरा हिस्सा करेंगे, आज से मतलब स्टार्ट करेंगे। अराउंड जो है हम इसमें आपको बताया तो नंबर ऑफ लेक्चर्स कैसे होते हैं इसके, बता देता हूँ आपको पट से। तो हमें जो है इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में मतलब मैक्स 3 सेशंस लगेंगे, इसमें हमें मैक्स 2 सेशंस लगेंगे, एंड यहाँ पे हमें मैक्स 2 सेशंस लगते हैं, 1 1 आवर के ईच, 1 1 आवर के ईच। तो हमारा इसमें जो है यहाँ पे आपका क्या बताइए, आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब टर्म्स के मतलब क्या वगैरह सब आपको समझ में आ जाएगा, कोई घबराने की बात है ही नहीं, मैंने अभी तक इसमें कुछ समझा है नहीं, आप टेंशन मत लो, जब आपको बताएंगे तो आपको सब चिल्टू ही लगने वाला है, ठीक है। तो एक बार इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं कि इस प्रकार से हम इसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए कि हम किस प्रकार से पढ़ने वाले इस चैप्टर को, है ना, ये तरीका होता है इस चैप्टर को पढ़ने का, राइट। चलिए, सो वापस आएंगे इधर, यस वापस आएंगे। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 आ जाएंगे यहाँ पे। चलो, तो सबसे पहली बात बेटा आती है क्या बताइए, प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन। चलिए, तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है ना, तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, तो अब जब प्रोडक्शन फंक्शन की हम जब बात करते हैं बेटा, तो इसका मतलब क्या, आइए देखेंगे, ठीक है।
मैं यहाँ पे अब सब चीजें लिखवाने नहीं वाला हूँ, कुछ चीजें बस लिखूंगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वो चीजें। अगर आप फ्री प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट हैं तो आप आईसीएआर स्टडी मटेरियल में लिख देंगे उस चीज को, है ना, आप जो नोट्स बनाते हैं उसमें लिखिए। और अगर आप प्लस के सब्सक्राइबर हैं तो मेरे धासु नोट से यूज करें, क्योंकि सबसे बेस्ट है, उसी में आपको सारी चीजें करनी है, ठीक है। तो ये जो नोट्स है इसे ही मैं धासु नोट्स बोलता हूँ, जो हमारे अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेता है एमबी सब कोड यूज करके उन बच्चों को हमारे बैचेस के अंदर वो ड्राइव लिंक शेयर की जाती है, पीडीएफ शेयर किया जाता है हमारे नोट्स के। चलिए वापस आते हैं, आएंगे वापस, चलिए। यस, तो हम यहाँ पे बोल रहे थे, हाँ यस, हाँ तन्वी बोल रहे सर हमारा तो मतलब फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आराम से हो जाएगा ये। तो बेटा तन्वी, ये यूनिट वन है, यूनिट टू है आपका थ्योरी ऑफ कॉस्ट, ठीक है, उसमें पांच से छह सेशन अलग से लगते हैं, राइट। और जब ये सब हो जाएगा उसके बाद में आपको ये पूरा चैप्टर, क्या बोल रहा हूँ, पूरा चैप्टर आपको 5 आवर्स में करके दे दूंगा, समझा। तो अभी ये सेशन होंगे, फिर पांच छह सेशन थ्योरी ऑफ कॉस्ट के होंगे, एंड देन पूरा चैप्टर 5 घंटे में पूरा रिवाइज आपको करवा के दे दूंगा, ठीक है। चले आइए, तो अभी टेंशन मत लो, पहले आप पढ़ो, डिटेल में पढ़ोगे तो आपको रिविजन और अच्छे से समझ पाएगा और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। चलिए वापस आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात आ जाती है बेटा, क्या बताइए, सबसे पहली बात आ जाती है प्रोडक्शन फंक्शन, हाँ कैप्सूल, बस वही सबसे पहली बात आ जाती है बेटा, प्रोडक्शन फंक्शन। पर प्रोडक्शन फंक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि फंक्शन क्या होता है, है ना। तो प्रोडक्शन फंक्शन तो ठीक है, पर ये फंक्शन क्या चीज है, ये हमें समझना जरूरी है, ये हमें समझना क्या है बताओ फास्ट, जरूरी है, ठीक है। ये हमें समझना जरूरी है, आ जाओ। तो ये देखो, ये हमारा क्या है, फंक्शन। तो बोलते हैं फंक्शन का मतलब क्या है, तो बोलते हैं फंक्शन का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट, कोई भी ऐसा एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन जो हमें क्या बताता है, तो बोलते हैं अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच शोज क्या बताता है, विच शोज अ रिलेशनशिप, विच शोज अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मतलब क्या बताइए, बंधन, है ना, रिलेशनशिप मतलब क्या, बंधन। वापस से प्रोडक्शन फंक्शन, फंक्शन क्या, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच शोज अ रिलेशनशिप, किस चीज का रिलेशनशिप। तो बोलता है विच शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन, विच शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। वेरिएबल मतलब क्या, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसे वेरिएबल बोलते हैं। हम जैसे बोलते हैं ना मैथ्स में कि जैसे एक्स क्या है, ये एक वेरिएबल है, मतलब क्या, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है ऐसा, तो जिसकी वैल्यू चेंज होते रहती है उसे वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो वापस आएंगे, हमने क्या बोला कि पहली बात है फंक्शन क्या होता है, हमारा फंक्शन एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जिस स्टेटमेंट को देख के हमें ये समझ में आता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कैसा संबंध है। तो अब ये हो गया फंक्शन, तो हम पढ़ना चाहते हैं अभी प्रोडक्शन फंक्शन। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या है कि हम जब प्रोडक्शन करते हैं उस केस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा। तो हम ऐसा बोलते हैं कि देखिए प्रोडक्शन करते वक्त हमने कितना नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए, या मैं बोल सकता हूं माय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट,
या जो क्या होता है हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, मैंने टोटल में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, ये डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा, मैं कितना आउटपुट बनाऊंगा ये डिपेंड करेगा मैं कौन से इनपुट यूज करता हूं। समझ में आ रही बात है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मतलब कि बेटा एक बात बताओ, अगर मेरे घर में पाव पड़ा है, आलू पड़े हैं, प्याज पड़े हैं और टमाटर पड़ा है, तो इसकी पाव भाजी बनेगी, तो घर पे खाना क्या बनेगा ये डिपेंड करेगा हमारे पास क्या इनपुट पड़ा हुआ है। समझा? मेरे पास क्या इनपुट पड़ा हुआ है। अरे भाई साहब, तो डीजे सर हमारे आ चुके हैं हमारे क्लास में यार, थैंक यू सो मच सर हमारे क्लास में आने के लिए। सारे बच्चे डीजे सर ओपी लिखेंगे, सारे के सारे बच्चे डीजे सर ओपी लिखेंगे चैट बॉक्स में। थैंक यू सर क्लास में आने के बोलते, धासु नोट्स ओपी। ओहो, अरे धासु नोट्स ओपी नहीं है सर, डीजे सर ओपी है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आइए चलो वापस आएंगे बेटा, क्या बोल रहा हूँ, तो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वापस से हमारे घर में क्या खाना बनेगा वो डिपेंड करेगा कि क्या इनपुट अवेलेबल है, घर पे क्या सामग्री पड़ी हुई है। वैसे ही मैं कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा वो डिपेंड करेगा मेरे, मैं कौन से इनपुट है मेरे पास एंड मैं कितने इनपुट यूज कर रहा हूं, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि यहां पे लिखेंगे बेटा, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, तो देखो इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो हम लिखेंगे प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, तो लिखेंगे यहां पे ऐसा कि प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, इज एक्सप्रेस्ड एज, है ना। अरे भाई साहब पूरा डीजे से ओपी से पूरा भर चुका है ना चैट बॉक्स, क्या बात है, बढ़िया। आ जाओ वापस देखेंगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, तो मतलब प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस एज क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ द टाइप ऑफ इनपुट यूज्ड। ये ABCD क्या है, आप जो भी टाइप के इनपुट्स यूज करेंगे उस पे आपका आउटपुट डिपेंडेंट है। बेटा बचपन में ना आपने ऐसी चीज पढ़ी थी, याद करना ठीक है, आपने बचपन में ऐसी चीज पढ़ी थी, सुनना ध्यान से, आपने ना बचपन में ऐसा पढ़ा था, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसा आपने पढ़ा था बचपन में, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब क्या, मतलब कि मैंने बोला नहीं कुछ नहीं लिखा बेटा, मतलब कि क्या बताइए, वाई इज इक्वल टू, समझो कि वाई का इक्वेशन हो सकता है 3x+5। अब देखो क्या होता है यहां पे, अगर x की वैल्यू चेंज होगी तो अपने आप y की वैल्यू चेंज होगी। कैसे, देखो अगर x की वैल्यू 2 है तो y क्या हो जाएगा, 3 × 2+5, y की वैल्यू हो जाएंगी 11। समझा? अगर x की वैल्यू समझो 4 हो गई तो क्या होगा, y 3 × 4+5 कितना हो गया, 12+5 17। फील आ रहा है? अगर x की वैल्यू चेंज होगी, समझो x की वैल्यू हो गई सिक्स, सॉरी सिक्स नहीं लेते, 5 लेते, कोई भी लेते, कुछ भी ले सकते हैं, तो 3 × 5+5 कितना हो जाएगा, 20। ओ मतलब कि ये जो y है ये y की वैल्यू इस x पे डिपेंडेंट है, x जब बदलता है तो y की वैल्यू बदल रही है, इसे बोलते हैं कि y इज डिपेंडेंट ऑन x, या इस चीज को बोल सकता हूं जनरल फॉर्म में, इसको जनरल फॉर्म में बोल सकता हूं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसी प्रकार से हम कितना क्वांटिटी बनाएंगे ये डिपेंड करेगा हम कौन से इनपुट यूज करते हैं। समझ मारी बात है क्या बोल रहा हूं? तो ऐसे ही अलग अलग फैक्ट्रीज का, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का, अलग अलग फैक्ट्री का, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन फंक्शन अलग अलग होता है। वापस से, अलग अलग फैक्ट्री का, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का अलग अलग प्रोडक्शन फंक्शन होगा। सब सब जगह पे जनरल फॉर्मूला क्या होगा, सबका जो जनरल फॉर्मूला है वो तो यही होगा कि क्वांटिटी इज अ फंक्शन
फंक्शन ऑफ इनपुट यूज्ड, बट कुछ फैक्ट्री में हो सकता है कि क्वांटिटी इज इक्वल टू 3 times लेबर प्लस 2 times लैंड, है ना, या 2 times कैपिटल प्लस 50. तो इसने सिर्फ लेबर और कैपिटल को ही यूज किया है. समझो मेरे यहाँ पे 20 लेबर काम करते हैं तो 3 into 20, मेरे यहाँ पे 10 मशीनरी है तो 2 into 10 प्लस 50, कितने यूनिट बनेंगे, मतलब 60 प्लस 20, 80 प्लस 50, 130 यूनिट्स बनेंगे. क्या आपको समझ में आ रहा है? आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं रहता है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, बस इतना ही है. ये जो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया ना बेटा, इतना ही है प्रोडक्शन फंक्शन. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यस कम ऑन, कहाँ गए, यस चलो आज. तो देखो क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन फंक्शन इज अ स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ फर्म स्केयर्स रिसोर्सेस इनपुट्स एंड द आउटपुट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द यूज ऑफ दीज रिसोर्सेस. बोलता है कि इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन विच आउटपुट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इनपुट आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. बोलता है आप कितना आउटपुट बनाएंगे वो डिपेंड करेगा आप कौन से इनपुट यूज करते हैं. खत्म. क्या यहां तक बात समझ आ रही है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बताइए फास्ट. बेटा कोई लीनियर इक्वेशन कुछ दिया नहीं रहता है, बस आपको इतना ही देखना है और कुछ है ही नहीं कॉन्सेप्ट में. आपको मैंने ये बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया कि ऐसा हो सकता है फंक्शन, एक एग्जाम्पल दिया. तो एक फैक्ट्री का ऐसा है तो किसी दूसरी फैक्ट्री का कुछ और होगा, समझ रहे, बस एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बताया मैंने, ठीक है. आपको ऐसा क्वेश्चन में आता ही नहीं, ये नॉर्मल बस इतना ही याद रखना आपको प्रोडक्शन फंक्शन के लिए, ठीक है. चलो आओ इधर, ये बात हो गई. अब बात आती है सर कि जब हम प्रोडक्शन फंक्शन के अजम्पशंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि अजम्पशंस क्या है, कि ये टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते हैं. तो क्या क्या अजम्पशन लेने पड़ते हैं, आइए देखते हैं. तो हम बोलते हैं कि यार देखो अजम्पशंस क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एग्जिस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. मुझे बताइए जल्दी से. यहाँ पे ये ऐसा बोला जा रहा है, प्लीज सुनना बात ध्यान से, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि हमारा ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ना, ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है. समझ में आ रहा है, मतलब कि अलग अलग टाइम पीरियड में ये प्रोडक्शन फंक्शन बदल भी सकता है. इन शॉर्ट हम जब क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो क्वांटिटी इज अ फ्लो वेरिएबल. बस यही चीज यहां पे लिखना चाह रहा है वो, कि हमारा क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज अ फ्लो वेरिएबल. याद करो आपको मैंने पढ़ाया है ये फ्लो वेरिएबल स्टॉक वेरिएबल, याद आ रहा है, बीसी के चैप्टर 1 में पढ़ाया है, इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 में पढ़ाया है, राइट. क्या सबको याद है क्या है फ्लो वेरिएबल स्टॉक वेरिएबल, है ना, फ्लो वेरिएबल स्टॉक वेरिएबल. इसमें भी पढ़ाया था आपको, याद करो, इसमें भी पढ़ाया हुआ स्टॉक फ्लो वेरिएबल स्टॉक वेरिएबल, यस नो बताइए, इसमें भी पढ़ाया था फ्लो वेरिएबल स्टॉक वेरिएबल, यस नो फास्ट, यस नो जल्दी बताएंगे, है ना, यस. चलिए तो क्या था वहां पे बताओ, क्या वो, चलो ठीक है बाद में बताओ. फ्लो वेरिएबल क्या होता है, ऐसे ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे वेरिएबल्स जिसका हम वैल्यू इज मेजर्ड फॉर अ क्या पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. जैसे हमने बोला था हमारी इनकम ये एक फ्लो वेरिएबल होती है ना, ये एक फ्लो वेरिएबल होती है, लेकिन हमारे एसेट की वैल्यू क्या होती है, इट इज अ स्टॉक वेरिएबल, इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब फ्लो वेरिएबल्स क्या होती है, फ्लो वेरिएबल्स में बेटा एक पीरियड ऑफ टाइम की वैल्यू होती है. जैसे मैंने बोला कि मेरे कंपनी का प्रॉफिट है 300 रुपए, तो 300 करोड़ प्रॉफिट है, तो 300 करोड़ जो है ये एक दिन का प्रॉफिट है कि एक टाइम पीरियड का प्रॉफिट होगा, ये एक टाइम पीरियड का होता है, समझा. तो जैसे मैं बोलता हूं इसलिए मुझे बोलना पड़ता है कि ये एक साल का प्रॉफिट है, टाइम पीरियड बताना जरूरी होता है फ्लो वेरिएबल के लिए.
उसी प्रकार से हमने कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस किया, ये क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम पे निकालूंगा क्या? नहीं, ये कैसा होता है कि हमने एक टाइम पीरियड में कितना प्रोड्यूस किया है, तो क्वांटिटी प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बोला 50 यूनिट्स, तो ये 50 यूनिट्स कितने समय में बनाओगे, तो हमको बताना पड़ेगा कि ये एक हफ्ते का प्रोडक्शन है। बस वही चीज वहां पे बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है बेटा, वो बोल रहा है कि क्या बताए, द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एग्जिस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम बताना जरूरी है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट का, क्योंकि एक फ्लो वेरिएबल होता है, इसीलिए इसका लॉजिक है। आपको रट्टा मारना है तो आप डायरेक्ट पढ़ लो, पर इसका लॉजिक बता रहा हूं। आगे बोलते हैं, इट इज अज्यूम्ड दैट देयर इज अ गिवन और अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ द आर्ट इन द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब क्या, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। देखिए अब बात को समझना, ठीक है, मेरी बात समझना ध्यान से। मैंने बोला कि मेरा जो प्रोडक्शन फंक्शन है, समझना, मैंने बोला बेटा कि हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है कि क्वांटिटी इज इक्वल टू 3 टाइम्स लेबर प्लस प्लस 10 टाइम्स कैपिटल, मतलब नंबर ऑफ मशीनरीज जो यूज करता हूँ, प्लस 20। ठीक है, मतलब मेरे पास समझो अगर 50 लेबर्स काम करते हैं मेरे पास, प्लस 10 इंटू कैपिटल, मेरे पास समझो मशीनरीज है, मेरे पास समझ लो 8 मशीनरीज हैं, और प्लस 20, तो कितना हो जाएगा, 150 प्लस 80 प्लस 20, मैं 250 यूनिट्स बना सकता हूँ एक समय में। अब ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये फंक्शन मैंने डिफाइन किया हुआ है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। अगर समझो मैं मेरी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते जाऊंगा, अगर मैं मेरे टेक्नोलॉजी को चेंज करते जाऊंगा, तो क्या होगा, अभी ऐसा समझो कि एक मशीनरी के होने के वजह से 10 गुना और प्रोडक्शन होता है। देखो ना, 8 मशीन के वजह से 80 यूनिट बन रहे हैं, तो अगर मैंने एक और मशीनरी इसमें ऐड कर दी तो मेरा ये तो चेंज हो जाएगा, ये 10 सी तो होगा नहीं, समझ पा रहे। और अगर मेरे को बताओ अभी एक मशीनरी 10 टाइम्स आउटपुट बना के दे रही है, अगर मैंने मेरी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी होगी वो तो एक मशीन ज्यादा आउटपुट बना के देंगी, तो समझो वो 15 यूनिट बना के दे रही हो, तो इससे क्या होगा, इससे जो है बेटा आपका प्रोडक्शन फंक्शन चेंज हो जाएगा। और अब मुझे लिखना पड़ेगा 3L+15C+20। मतलब बेटा क्या है कि अगर मैं टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते जाऊंगा तो ये प्रोडक्शन फंक्शन बार बार बदलते जाएगा। तो बोलता है जब मैं एक प्रोडक्शन फंक्शन लिख देता हूं तो वो प्रोडक्शन फंक्शन के लिए अब आपको टेक्नोलॉजी कांस्टेंट मानना है। टेक्नोलॉजी बार बार बदलेंगे तो प्रोडक्शन फंक्शन की वैल्यू बार बार बदलते जाती है, इसलिए हम प्रोडक्शन को कांस्टेंट मानते हैं। समझ मारी बात है, राइट? तो देखो क्या लिखा है, एनी इनोवेशन, लिखेंगे देखेंगे बेटा क्या लिखा है, एनी इनोवेशन वुड कॉज चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन इनपुट एंड द आउटपुट। बोलता है ये जो बंधन हमने बताया ना, ये जो हमने बंधन एस्टैब्लिश किया है हमारे आउटपुट एंड हमारे इनपुट में, जो ये बंधन एस्टैब्लिश हुआ है, ये रिलेशनशिप बदल जाएगा अगर मैंने मशीनरी को अपग्रेड कर दिया तो। अगर टेक्नोलॉजी चेंज कर दी तो बंधन ही चेंज हो जाएगा, फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। तो इसलिए एक पर्टिकुलर फंक्शन की जब मैं बात करता हूं, जब मैंने एक पर्टिकुलर फंक्शन को स्टेट कर दिया है, उसके बाद उस फंक्शन के लिए हमें टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज करेंगे तो फंक्शन बार बार बदलना चालू हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे नेक्स्ट देखेंगे, वॉट एवर इनपुट कॉम्बिनेशन आर इंक्लूडेड इन अ पर्टिकुलर फंक्शन दी आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन इज एट मैक्सिमम लेवल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर लिख देंगे, इसका मतलब है कि यहां पे कोई भी वेस्टेजेस नहीं होते हैं, है ना, यहां पे कोई भी वेस्टेजेस नहीं होते हैं। ये क्या बोल रहा है कि हम, ये क्या बोल रहा है बेटा कि हम जो भी इनपुट्स यूज करेंगे, हम जो भी इनपुट यूज करेंगे वो इनपुट को यूज करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम जितना आउटपुट बना सकते हैं ना, हम उतना आउटपुट बनाएंगे, हम कुछ भी वेस्टेज नहीं करते हैं, ऐसा अज्यूम करते हैं जब ये प्रोडक्शन फंक्शन हम बनाते हैं तब।
इसका मतलब ये है कि मैंने जब बोल दिया कि मेरा प्रोडक्शन फंक्शन है ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है अभी, ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, सुनना बात ध्यान से, मैंने क्या बोल दिया सुनना, हाँ आपको मजा आएगा, मैं जब बताऊंगा ना आपको बहुत मजा आएगा, सुनेंगे। मैंने ऐसा बोला है, कि अगर मैंने ये प्रोडक्शन फंक्शन लिख दिया आपका, राइट, अब जरूरी है क्या कि हर एक लेबर तीन गुना आउटपुट बनाएगा? बहुत बार क्या होता है, लेबर टाइम पास करता है, ब्रेक्स लेता है, बहुत बार खराब प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्शन करने के बावजूद प्रोडक्ट डिफेक्टिव बन गया। तो हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे लेबर एकदम एफिशिएंटली काम करेंगे, हम मशीनरीज को एकदम एफिशिएंटली यूज करेंगे, समझ मारे, हम यहाँ पे कोई वेस्टेज नहीं करेंगे, हमारे जो भी इनपुट्स हम यूज कर रहे हैं उससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना आउटपुट बन सकता है वो ये दर्शाता है कि जो मेरे पास अवेलेबल इनपुट है इसको यूज करके मैं मैक्सिमम कितना आउटपुट बना सकता हूं वो ये क्वांटिटी डिपिक्ट कर रहा है। तो क्या तीन अजम्पशन समझ में आए, बताइए फास्ट जल्दी से। तो प्रोडक्शन फंक्शन एंड ये तीन अजम्पशन हमने आपको समझा दिए हैं। चलो अब इतना ही था इसमें, इसमें कोई बहुत डीप क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं आता है, बस आपको ये डेफिनेशन इसकी प्रोडक्शन फंक्शन की याद रखनी है, ये अजम्पशन तीन आपको याद रखने हैं कि टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट रहेगी, राइट, हम आउटपुट मैक्सिमम लेवल का बनाएंगे एंड ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा टेंशन की बात है नहीं। आगे तो अब देखो यहां पे सैमुएलसन आ गया, अभी देखो सैमुएलसन, तो ये इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे आपके, कौन, सैमुएलसन, अच्छा जितने भी हमारे प्लस वाले बच्चे हैं उन सबको बता दे बेटा कि इसके नोट्स मैंने डलवा दिए हैं, इसके नोट्स डलवा दिए हैं ड्राइव पे, तो लक्ष्य 2.0 बैच में आपको लिंक मिल गई होंगी नोट्स की, वहां पे जाके चेक करो, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, चले वापस आएंगे, यस इधर आओ। तो अब हम बात कर रहे हैं, तो अब हम बात करें क्या, बताइए फास्ट, अब हम बात करें बेटा क्या कि सैमुएलसन करके हमारे कौन है, बताइए, इकोनॉमिस्ट थे, सैमुएलसन करके हमारे क्या थे, इकोनॉमिस्ट, राइट। तो इन्होंने भी सेम डेफिनेशन दिया है प्रोडक्शन फंक्शन का, क्या बोला है कि देखो प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड द इनपुट रिक्वायर्ड टू मेक दैट आउटपुट, कि हम मैक्सिमम आउटपुट कितना बना सकते हैं एंड उस आउटपुट को बनाने के लिए कितना इनपुट लगेगा, ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। एंड आगे देखो क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड फॉर अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब हम जब प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं हमारा टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट रहता है। अब यहां पर रंजीत पूछ रहे हैं, हाँ अब यहां पे बेटा क्या रंजीत ने पूछा है, बेटा देखेंगे, रंजीत ने पूछा है सर एक्चुअल कैन बी डिफरेंट देन, है ना, बोल रहे सर आपने क्या बोला कि यहाँ पे हम वेस्टेज नहीं करेंगे, मैक्सिमम आउटपुट इतना हम बनाएंगे वो हम देखते हैं, सर एक्चुअल तो कुछ और हो सकता है, बिल्कुल बेटा एक्चुअल तो कुछ भी हो सकता है, रियल लाइफ में तो बेटा कुछ भी हो सकता है, कितना भी वेस्टेज हो सकता है, पर बेटा करोड़ों ऑर्गेनाइजेशंस है, करोड़ों लोग हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस करते होंगे, अपन का एक एक का पढ़ते रहेंगे क्या, तूने कितना वेस्टेज किया, तूने कितना वेस्टेज किया, तूने कितना वेस्टेज किया, तूने ऐसा कर सकते क्या, मतलब कि हम जब पढ़ाई करते हैं हमें अजम्पशन बेस्ड पढ़ाई क्यों करते हैं बताओ, ताकि चीजें आसान हो जाए पढ़ने के लिए, अगर हम इसमें रियल लाइफ की चीजें और डालते जाएंगे तो पढ़ाई तो कभी खत्म ही नहीं होगी, समझ रहे, पढ़ाई तो कभी खत्म ही नहीं होगी। मैंने बोल दिया कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोला हमने, प्राइस जब बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरता है, पर जरूरी थोड़ी ना है, जब इनकम बढ़ेंगी तो डिमांड कम क्यों होगा, हम तो तभी भी ज्यादा खरीद सकते हैं, पर हमने क्या बोला, देखो ये लॉ को अगर पढ़ना है तो अदर फैक्टर को कांस्टेंट मानो, जब तक हम अजम्पशन नहीं लेंगे तब तक हम कोई टॉपिक पढ़ ही नहीं सकते इकोनॉमिक्स में, सारी चीजें अजम्पशन बेस्ड होती है, क्यों, क्योंकि रियल लाइफ में तो कुछ भी हो सकता है, हजारों सिनेरियोस हो सकते हैं, अपन रियल लाइफ की हर एक सिनेरियो को पढ़ नहीं सकते हैं, समझ रहे, तो चीजों को आसान बनाने के लिए अजम्पशंस लेने पड़ते हैं, तब जाके ही चीजें हम पढ़ पाते हैं। तो बोलेंगे सर जब ये होता ही नहीं तो हम पढ़ते क्यों, तो ये भी आपको ऑलरेडी इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 में आपको पढ़ाया है कि इको पढ़ने का, इकोनॉमिक्स पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है,
ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि इकोनॉमिक्स पढ़ के आप पूरे देश को, देश के इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इकोनॉमिक्स पढ़ने से होता क्या है, आपका एक राइट पर्सपेक्टिव डेवलप होता है कि चीजों को जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएंगी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो उसे सही तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थिंकिंग एबिलिटी आपकी डेवलप होती है, एक आपका पर्सपेक्टिव डेवलप होता है, इसलिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। चलिए वापस आएंगे, यस आओ। तो ये हमारे क्या बोला, सैमुएलसन ने वही सेम चीजें बोली कि हमें मैक्सिमम आउटपुट कितना बनाना है, वो बनाने के लिए कितने इनपुट लगेंगे, कौन से इनपुट लगेंगे, एंड हमारा टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ये प्रोडक्शन फंक्शन होता है। अब एक्चुअल में क्या होता है बताइए, रियलिटी में क्या होता है बेटा बोलो, रियलिटी में जो है, यस कम ऑन, हाँ अब रियलिटी में जो है क्या होता है बताइए, रियलिटी में तो बेटा क्या है, हमारे बहुत सारे इनपुट्स हैं, हमारा लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है, और एंटरप्रेन्योर भी है, यस नो बताइए, क्या हमारे बहुत सारे इनपुट्स हैं, यस। अब फर्दर एनालिसिस करने के लिए सुनना मत ध्यान से, अब मुझे ना इस प्रोडक्शन फंक्शन का फर्दर एनालिसिस करना था, तो मैंने बोला यार, मैंने बोला जितने ज्यादा मैं यहाँ पे इनपुट लूंगा ना, उतना ही एनालिसिस कॉम्प्लिकेट होना चालू हो जाएगा, और इसमें मेजर हमारे कौन है बताओ, हमारा लेबर और कैपिटल, ये मेजर फैक्टर्स है। ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो लेबर एंड कैपिटल मेजर फैक्टर्स है, लैंड एंड एंटरप्रेन्योर भी काम आते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे अब फर्दर एनालिसिस को आसान बनाने के लिए, हमारे फर्दर एनालिसिस को और ज्यादा आसान बनाने के लिए, हम अब ऐसा अज्यूम करेंगे वापस से, फर्दर जो भी हम लॉस पड़ेंगे उसमें अज्यूम करेंगे कि हमारे सिर्फ दो ही इनपुट हैं, लेबर एंड कैपिटल, राइट, सिर्फ दो ही इनपुट है, लेबर एंड कैपिटल, हम बाकी इनपुट्स की बातें नहीं करेंगे अब प्रोडक्शन फंक्शन में। क्या ये आते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में, यस, लैंड के बदलने से प्रोडक्शन के आउटपुट बदलता है, राइट, होता है, पर हमारे फर्दर एनालिसिस को आसान बनाने के लिए हम यहाँ पे जो आगे लॉज पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, तो ये लॉ को पढ़ने के लिए हमें एक और अजम्पशन लेना पड़ेगा कि क्या बताइए, हमारे सिर्फ दो ही इनपुट है, लेबर एंड कैपिटल, ताकि हमारा फर्दर एनालिसिस आसान हो जाए, इसलिए मतलब कि हमारे इस अजम्पशन के हिसाब से अब हमारा रिवाइज्ड प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा, तो हम अब बोलेंगे कि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर कॉमा कैपिटल, बस, और इनपुट नहीं लेंगे, इसीलिए यहां पे देखो कैसा लिखा हुआ है, देखेंगे, फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस द होल एरे ऑफ इनपुट, एरे मतलब क्या, रेंज, जो जितने भी हमारे रेंज ऑफ इनपुट है, हमने इसको कम करके सिर्फ दो पे ला लिया है, लेबर एंड कैपिटल, अपन कैपिटल को के से डिनोट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, तो बोलते हैं कि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, क्यों, क्योंकि हम अब ऐसा अज्यूम करेंगे दो ही इनपुट है, लेबर और कैपिटल, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमारा एनालिसिस फ्यूचर का और आसान हो जाएगा, इसलिए ऐसा अजम्पशन ले रहे हैं, समझ में आ गया बात क्या हो रहा हूं, यस, यहां पे बात खत्म हो गई हमारी, ठीक है। अब आता है बेटा शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, चलो, तो अब ये शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन को समझने के लिए हमको एक लेनी पड़ेगी बेटा कहानी, हमको एक लेनी पड़ेगी बेटा क्या बताओ, कहानी, ठीक है, तो चलो अपन कहानी लेंगे, अभी एक स्टोरी सुनेंगे हम, स्टोरी सुनेंगे बेटा साक्षी, हम स्टोरी सुनेंगे बेटा साक्षी और आकांक्षा की, ठीक है, तो हम स्टोरी अभी सुनेंगे बेटा किसकी, किसकी बताओ, साक्षी एंड आकांक्षा की, ठीक है, साक्षी एंड आकांक्षा की, ठीक है, तो ये जो है ना बेटा सुनेंगे ध्यान से, बहुत मजा आएगा आपको सुनेंगे, ठीक है, तो साक्षी और आकांक्षा बेटा बहुत ही जबरदस्त एक दूसरे के एकदम परम मित्र होते हैं,
एक दूसरे के बहुत ही क्या होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स है ना, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ये लोग बोलते हैं कि यार, आकांक्षा साक्षी बोलते हैं यार, अपने इतना सीए की पढ़ाई कर ली है ना, क्या अभी जॉब थोड़ी करते बैठेंगे, चलो कुछ बिजनेस करते हैं, है ना। तो ये दोनों बहुत सोचते हैं कि किस चीज का बिजनेस करें। अब दोनों को चॉकलेट्स बहुत पसंद होती है, क्या चॉकलेट्स। तो ये क्या करती है, ये बोलते हैं कि हम ना एक नया ब्रांड निकालेंगे बेटा, देखो नया ब्रांड निकालेंगे, बोलते हैं शशि बेटा, हम नया ब्रांड निकालेंगे चॉकलेट का, शशि है ना, तो शशि की चॉकलेट बनाएंगे बोले। तो इसमें क्या हमारा भी नाम है, इसमें क्या बताओ, हम दोनों का नाम आ गया ना, शशि, तो बोले हम शशि है ना, तो इसको शशि नहीं बोलते, इसको बोलते शशि, तो शशि बोलते ना थोड़ा सा ऐसा, और मतलब क्या बोलते उसको, एकदम मॉडर्न लगता है, तो हम शशि की चॉकलेट्स बनाते हैं। तो ये अपनी कंपनी चालू करते हैं, ठीक है, समझ में नहीं पाते, ओके। तो ये अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं और उसका नाम रखते हैं शशि, शशि चॉकलेट्स, ऐसा बोले। अच्छा, तो अब जो है ना, इन्होंने बोला कि चलो अपना चॉकलेट की फैक्ट्री चालू करते हैं, मतलब चॉकलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चॉकलेट बनाने तो फैक्ट्री पर खोलनी पड़ेगी है ना, क्योंकि अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं, अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री ओपन करना पड़ेगा, खुद मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा इस चीज को। तो बोला ठीक है, कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो बोलते यार चलो हम ना एक फैक्ट्री लेने का सोच रहे हैं, सोचते हैं फैक्ट्री लेने का। अब ये डिसाइड करते हैं, सबसे पहले इनको क्या डिसाइड करना पड़ेगा, इनको डिसाइड सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि फैक्ट्री कितनी बड़ी ले, उसमें कौन सी मशीनरीज ले, कितने लेबर होने चाहिए। तो ये सारी चीजें डिसाइड करने के लिए सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि हमारे मार्केट में कितने यूनिट बिकेंगे। तो ये लोग ना काफी सारे सर्वेस करते हैं, सर्वे करते हैं, और इसे ही बोलते हैं बेटा डिमांड फोरकास्टिंग, जो हम आज पढ़ने वाले हैं प्लस पे, डिमांड फोरकास्टिंग है ना, जो हमारे फ्री वाले बच्चे हैं वो लाइव डेली लिंक से देख सकते हैं, वो डिमांड फोरकास्टिंग वाला टॉपिक है ना, हमने इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 में पढ़ा है डिमांड फोरकास्टिंग। ये देखो यहाँ पे हमने 3-4 सेशंस में कुछ तो भी लिया हुआ है डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है, तो यहाँ पे कवर्ड है वो चीजें, लाइव डेली लिंक में आपको मिल जाएगा। वापस आते हैं, तो डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के कितने यूनिट बिक सकते हैं। तो इनको पता चलता है कि इनके प्रोडक्ट, इनका जो प्रोडक्ट है, इसके 50,000 यूनिट्स तो आराम से बिक जाएंगे पहले साल। तो बोलते हैं अच्छा, अगर 50,000 यूनिट बनाने हैं तो ये फिर कैलकुलेशन करते हैं कि हमें कितनी मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, कितने लेबरर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, राइट। तो ये लोग बोलते हैं कि यार चलो एक काम करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि चलो एक काम करते हैं, हम ना लेबर कितना अपॉइंट करें और कैपिटल कितना यूज करें, कैपिटल मतलब समझो मशीनरीज हम कितनी सारी कितनी खरीदे। तो ये बोलते हैं कि यार अगर मैं 100 लेबरर्स को अपॉइंट कर दूंगी एंड अगर हमारे पास समझ लीजिए 20 मशीनरीज होगी, तो हम आराम से 50,000 यूनिट एक साल में है ना, एक साल में आराम से बना सकते हैं और बेच सकते हैं। समझ में आ गया आपको प्लान पूरा, क्या सबको ये बात समझ में आ गई, मतलब क्या आपका साथ फील आ रहा है कि यहाँ पे फिलहाल वो अभी प्लानिंग कर रहे थे, यहाँ पे अभी फिलहाल वो क्या कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे है ना, यस। तो इन्होंने प्लानिंग किया और प्लान करके उन्होंने फिक्स कर लिया कि क्या बताइए कि हम जो है बेटा कौन, चलिए ओके चलो वापस आएंगे बेटा इधर, यस। तो क्या बात समझ में आ गया आप सबको, ये प्लानिंग कर रहे थे और प्लानिंग करने के बाद ना बेटा अब ये क्या करते हैं, अब बेटा ये लोग अब ये प्लानिंग हो गई इनकी, अब ये एक्चुअल प्रोडक्शन चालू करते हैं, अब ये एक्चुअल प्रोडक्शन करना चालू करते हैं। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हमने प्लानिंग में क्या क्या, कितने यूनिट बनाने हैं, उस पर कितनी मशीनरी, कितने लेबर लगेंगे। अब ये आ जाते हैं बेटा किसमें बताइए, प्रोडक्शन के स्टेज में, और प्रोडक्शन करना वो अब क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन करते 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 6-7 महीने गुजर जाते हैं, और
ये लोग पहले ही बहुत फेमस हो गए रहते हैं, शैशी शैशी इतना मार्केटिंग करते हैं शैशी चॉकलेट्स का, जहां देखो वहां सारे बच्चे बस अरे हमें शैशी चॉकलेट चाहिए, हमें शैशी चॉकलेट चाहिए, मम्मी पापा के साथ जगड़ रहे हैं बच्चे कि हमें तो सब बस यही चॉकलेट चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो इनकी चॉकलेट बहुत फेमस हो जाती है इनके सिटी में, और जो है इनके 5-6 महीने के अंदर ही ये 50,000 चॉकलेट जो है ना, इसमें से समझ लो 40,000 बिक जाती है। अब इनको मालूम है यार आधा साल बचा है और 10,000 चॉकलेट ही पड़ी हमारे पास, इतनी ही कैपेसिटी, अब क्या करें, हमको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन बढ़ाए कैसे, तो फिर इनको याद आता है यार कि अगर हमारे प्रोडक्ट की इतनी डिमांड हो गई है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्या कर सकते हैं क्या। फिर वो ऐसे क्योंकि दिन भर क्या फोन में टाइम पास करते रहते हैं ये लोग, तो फोन पे सब देखते रहते हैं, यूट्यूब चालू करते हैं, उनको एकदम से दिखता है अरे एमबी सर इज लाइव, एमबी सर लाइव क्लास ले रहे उस दिन, फिर इनको याद आता है अच्छा हाँ हमने एमबी सर से इकोनॉमिक्स पढ़ा था और उसमें चैप्टर 3 पढ़ा था थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। एक काम करते हैं, एमबी सर को पता होगा कि प्रोडक्शन के बढ़ाने में के लिए क्या कर सकते हैं, एक बार उनको कॉल करते हैं। तो ये लोग जो है ना टू 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 कॉल करते हैं मेरे को, ठीक है मुझे कॉल करते हैं लोग, ओके प्लीज सुनेंगे बेटा ध्यान से, बहुत जबरदस्त मजा आएगा। हाँ तो क्या करते हैं बताओ, ये कॉल करते हैं मुझे, तो मुझे कॉल करते हैं। तो पहले तो इनकी गजब बेइज्जती हो जाती क्योंकि मैं उठाता ही नहीं फोन, फिर बोलते अरे यार ये सर तो फोन ही नहीं उठा रहे, जब दिख रहा है कि मैं लाइव क्लास में हूँ कैसे फोन उठाऊंगा यार उस समय। तो इनको समझता है बराबर यार सर लाइव क्लास में है कैसे फोन उठाएंगे। फिर ये लोग मैसेज करते हैं अरे सर वी आर फ्रॉम शैशी चॉकलेट्स, वी यूज टू स्टडी फ्रॉम यू सर, साक्षी आकांक्षा बोला अच्छा हाँ हाँ मैं तो तुम्हारा एग्जाम्पल भी लिया था, तो मैं फिर इनको टाइम देता हूँ कि चलो इतने बजे कॉल करना। तो चलो कब कॉल फिर फाइनली करते हैं, मुझे बताते हैं कि सर देखो हमने हमारी चॉकलेट की चालू किया बिजनेस और इसमें जो है ना हमने 40,000 यूनिट बना भी दी ऑलरेडी, अब आधा साल बचा है, 10,000 चॉकलेट ही है हमारे पास, अब प्रोडक्शन बढ़ाए कैसे समझ में नहीं आ रहा सर, कुछ तो बताओ सर कुछ तो बताओ। तो मैंने ना अच्छा तो बोला एक काम करो ना, मैंने बोला एक काम करो सुनना बात ध्यान से, मैंने बोला एक काम करो यार कि आप ना मशीनरी बढ़ा दो, समझा बात क्या बोल रहा हूँ, आप क्या कर दो आप नंबर ऑफ मशीनरीज बढ़ा दो, तो इससे क्या होगा अपने आप आपका मशीनरी बढ़ा दोगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो बोलते हैं आकांक्षा अरे सर आपने सर सुना नहीं क्या, अरे सर अभी अभी तो बिजनेस चालू किया हमने, अरे बिजनेस जब हमने चालू किया ना उस समय ही हमने बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिया है ऑलरेडी ये फैक्ट्री बनाने में मशीनरी खरीदने में, अरे आपको पता भी है क्या कुछ मशीनरी कितने की आती है, अरे मशीनरी अगर खरीदने जाओ ना 1 करोड़ की एक मशीनरी है यहाँ पे हमारी, इतनी महंगी महंगी मशीनरी खरीदी है हमने हमारे चॉकलेट के लिए, और आपको लग रहा है बस मशीनरी का मजाक चल रहा है क्या, मशीनरी बढ़ा दो। बोला ओके ओके लेडी भीम शांत शांत, बोला ओके कोई बात नहीं शांत, बोला अच्छा तुम मशीनरी नहीं बढ़ा सकते क्या, हाँ सर अभी अभी चालू किया कैसे बढ़ाएंगे मशीनरी एकदम से, ओके कोई बात नहीं लेबर बढ़ा दो, है ना लेबर को बढ़ाने में तो ज्यादा खर्चा होता नहीं, बस उसको वेजेस देने हर साल हर 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 दिन क्या महीने। अच्छा हाँ सर हम लेबर बढ़ा सकते हैं, हम लेबर बढ़ा सकते हैं, तो क्या हुआ बोलते हैं हाँ सर हम लेबर बढ़ा सकते हैं, थैंक यू सर आपने क्या जबरदस्त आइडिया दे दिया, तो सही बात है सर हम तो लेबर बढ़ा के प्रोडक्शन बढ़ा सकते थे। तो ठीक है, तो इन्होंने क्या किया 40,000 यूनिट्स तो इनको बन गए थे, इन्होंने ना बेटा 100 लेबरर से अब 125 लेबरर्स को अपॉइंट कर दिया, मतलब अब क्या हो गया 25 और एडिशनल लेबर्स को इन्होंने अपॉइंट कर दिया। बट बेटा एक बात बताओ, क्या हर चीज की एक कैपेसिटी होती है, मुझे आप एक बात बताओ बेटा क्या हर चीज की एक कैपेसिटी होती है ना, क्या हर एक चीज की कैपेसिटी होती है, जैसे कि मैंने बोला कि एक मशीनरी समझो, एक मशीनरी अगर एक मशीनरी सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 3,000 यूनिट बना सकती है एक साल में, ऐसी कैपेसिटी होती है ना बेटा, ऐसे इसे क्या बोलते हैं कैपेसिटी, कि इस मशीनरी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, कितना ये प्रोडक्शन कर सकता है। तो हमने बोला कि इस एक मशीनरी की मैक्सिमम कैपेसिटी है 3,000 यूनिट, इनके पास 20 मशीनरी है,
मतलब ये 20 मशीनरी से मैक्सिमम कितना बना सकते हैं। तो बोला मैंने ये लोग मैक्सिमम ना 20 × 3000 60,000 यूनिट्स ही बना सकते हैं। मतलब कि अगर इन्होंने 25 लेबर को ऐड कर भी दिया तो भी 125 लेबर आके इस इन 20 मशीनरी पे जब काम करेंगे तो भी ये ज्यादा से ज्यादा 60,000 यूनिट ही बना पाएंगे। यस और नो? यस। तो उस साल वो लोग मैक्स 60,000 यूनिट बना लेते हैं। पर अब अगले साल क्या होता है बेटा, अब उनको पहले से ही पता है कि लोगों को हमारी चॉकलेट बहुत पसंद है और अब 60,000 यूनिट में नहीं चलेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके ही तो और प्रोडक्शन होगा। तो अब वापस से ये लोग प्लानिंग करते हैं, क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि यार हमारे पास जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है ना उसमें तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं, एक काम करते हैं नंबर ऑफ लेबर को 150 कर देते हैं और हमारे कैपिटल को अब और मशीनरी खरीदते हैं एंड हम अब 30 मशीनरीज खरीद लेते हैं, मतलब टोटल में 30, 10 और खरीद लेते हैं। तो फिर से प्लानिंग किया और अब इसको खरीद के अब फिर से क्या कर देते हैं ये लोग, अब प्रोडक्शन करना चालू कर देते हैं, प्रोडक्शन करना चालू कर देते हैं। अब मुझे बताओ ये मैक्सिमम कितने यूनिट बना सकते हैं। तो मैंने बोला 30 मशीनरी है, एक मशीनरी 3000 यूनिट बना सकती थी, तो अब ये मैक्सिमम 90,000 यूनिट बना सकते हैं। मतलब अब इन लोगों को 90,000 यूनिट बनाने तक, up to 90,000 यूनिट इनको एडिशनल मशीनरी लेने की जरूरत नहीं है, जो एग्जिस्टिंग लेबर है उसी से काम चल जाएगा, एग्जिस्टिंग मशीनरी से काम चल जाएगा। लेबर चाहो तो बढ़ा सकते हो, लेकिन लेबर चाहो तो बढ़ा सकते हो लेकिन मशीनरी बढ़ाने की जरूरत नहीं 90,000 यूनिट तक। बट अगर आपको 90,000 से भी ज्यादा बनाना हो तो फिर से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि यार अगर 90,000 से ज्यादा बनाने हैं तो हमें और मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। समझो हमने 40 मशीनरी खरीदी और अब हमने क्या कर दिया, अब हमने 175 लेबर रख दिए, या समझो मैंने कर दिया 210 लेबर ला लिया। अब मैंने अब प्लानिंग हो गई तो वापस से अब प्रोडक्शन करना चालू करूंगा। सर क्या चल क्या रहा है, यही चल रहा है बेटा शॉर्ट रन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पे हम प्लानिंग करते हैं प्रोडक्शन करने की, समझा क्या बोल रहा हूं। लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पे मैं प्लानिंग करता हूं प्रोडक्शन करने की। लॉन्ग रन में क्या होता है, मैं नंबर ऑफ लेबर और नंबर ऑफ कैपिटल दोनों को चेंज कर सकता हूं, लेकिन जब मैं एक्चुअल में प्रोडक्शन करना चालू करता हूं, जब मैं एक्चुअल में प्रोडक्शन करना चालू करता हूं, अब मैं बोलता हूं यार मैं ना अब मेरे नंबर ऑफ मशीनरी को चेंज नहीं कर सकता, अब सिर्फ लेबर को बदल सकता हूं, मशीनरी को चेंज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी अभी खरीदी ना। तो जब हम एक्चुअल प्रोडक्शन में आ जाते हैं तब हम शॉर्ट रन में आ जाते हैं, और शॉर्ट रन मतलब क्या, जहां पे हम सिर्फ लेबर को बदल सकते हैं कैपिटल को नहीं बदल सकते। लेकिन फिर अगर मुझे कैपेसिटी कम लगती है तो फिर से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कितना प्रोडक्शन करें। तो अगर मैं प्लानिंग स्टेज में आ गया फिर से, मतलब मैं फिर से लॉन्ग रन में आ चुका हूं, और लॉन्ग रन में क्या होगा, नंबर ऑफ लेबर नंबर ऑफ मशीनरी दोनों बदल सकता हूं। फिर डिसाइड कर लिया कितने चाहिए मुझे, फैक्ट्री सेटअप कर ली, अब जब एक्चुअल प्रोडक्शन करूंगा फिर से शॉर्ट रन में आ जाऊंगा। ओ मतलब कि लॉन्ग रन शॉर्ट रन ये टाइम पीरियड नहीं है, पहले ये समझो। ऐसा नहीं है शॉर्ट रन मतलब 2 महीना, लॉन्ग रन मतलब 2 साल। आहा, शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या है, बोलते हैं शॉर्ट रन का मतलब होता है एक ऐसा टाइम पीरियड, शॉर्ट रन का मतलब होता है एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पे हमारा लेबर जो है
ये वेरिएबल फैक्टर होता है, हम लेबर को चाहे जितना कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल जो है ये हमारा फिक्स्ड फैक्टर होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट रन में। और लॉन्ग रन मतलब क्या, एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पे मैं लेबर को भी चेंज कर सकता हूँ, कैपिटल को भी चेंज कर सकता हूं। क्या समझ में आई बात क्या बोल रहा हूं? तो जब हम प्लानिंग करते हैं कि कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, उस समय पे मैं दोनों बदल सकता हूं, लेबर कैपिटल। तो जब हम प्लानिंग के स्टेज में होते हैं, मतलब मैं लॉन्ग रन के स्टेज में होता हूं। प्लानिंग करने के बाद, फैक्ट्री सेटअप होने के बाद, जब एक्चुअल प्रोडक्शन का समय आता है, तब मैं शॉर्ट रन में आ जाता हूं। और ये लॉन्ग रन शॉर्ट रन चलते रहता है। अगर हमें समझो यहाँ पे 90,000 यूनिट तक ही बनाना है, तो और मशीनरी की जरूरत ही नहीं है, तो हम शॉर्ट रन में ही रहेंगे तब तक। लेकिन अगर 90,000 यूनिट से ज्यादा बनाना हो, तो फिर वापस से प्लानिंग करो, वापस से और मशीनरीज लेके आओ और लेबर लेके आओ, मतलब लॉन्ग रन में आ गए आप। फिर फैक्ट्री सेटअप करके जब वापस से प्रोडक्शन करना चालू करोगे, मतलब आप वापस से शॉर्ट रन में आ गए। बेटा ये जो स्टोरी है ना, पूरे इंडिया में आपको ये स्टोरी कहीं नहीं मिल सकती। ये बात समझ क्या बोल रहा हूं? ये आधे से ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं होता है कि लॉन्ग रन शॉर्ट रन है क्या। वो बस इसको रट्टा मारते हैं, लेबर वेरिएबल कैपिटल फिक्स्ड, लेबर वेरिएबल कैपिटल वेरिएबल हो गया। लेकिन ये बात नहीं है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो समझाया ना वो है, और ये कॉन्सेप्ट के वजह से ये चीज होती है जो हमने आपको बताया। तो आई होप कि आपको आज लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का मतलब समझ में आया हो। हम शॉर्ट रन में जब प्रोडक्शन फंक्शन देखते हैं ना, तो उसमें क्या होगा, हमारे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में लेबर हमारा वेरिएबल होगा और कैपिटल हमारा फिक्स्ड होगा। क्या फील आ रही है अब बात है? और लॉन्ग रन मतलब क्या, ऐसा टाइम पीरियड जहां पे सारे फैक्टर हमारे वेरिएबल हो जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन को यूज करके मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को यूज करके मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, जो कल से हमारा स्टार्ट होगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। सो यहां पे हमारा आज का सेशन होता है क्या, बताइए। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप कि आप सबको मजा आया होगा। जरूर बेटा इस livedaily.me/CA livedaily इस लिंक पे जरूर जाना बेटा, बहुत ही जबरदस्त लिंक है। इसमें जो है आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है एमवी सर वाले टैब पे जाना है। यहाँ पे देखो आपको अलग अलग यहाँ पे पूरे दिख रहे हैं आपको, है ना, अलग अलग आपको क्या दिख रहे हैं, यस आपको अलग अलग लिंक्स दिख रहे हैं। यहाँ पे एमवी सर वाले टैब पे जाना है, यहाँ पे देखो May-June 22 के सेशंस यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो यहां से जाकर आप हमारे सेशन देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू अगेन। आई होप कि आपको फाइनली डिफरेंस समझ में आएगा लॉन्ग रन शॉर्ट रन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा। तो आज का सेशन तो अलग से नोट कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू अगेन। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को यार, जल्दी से लक्ष्य 2.0 बैच में आ जाओ। एमबी सर कोड यूज करें अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करने के लिए, प्लस आइकॉनिक या कॉम्बो ले सकते हैं। फाउंडेशन इंटर दोनों की क्लासेस एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगी यार, सबसे बेस्ट तो कॉम्बो होता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। जरूर 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 कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा आज हमसे।